अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी और इतनी बेहतरी कर दी कि मैं जुमे की नमाज़ के लिए अभी आ रहे हैं। बताना कैमरा इसलिए खोला अपने बताने से ज़्यादा कि आप ये देखें कि इस वक्त 11 भी नहीं बजे, 10:45, और जोहर की नमाज़ जो होती है वो 12:15 प्रॉब्लम इसने जुमे की भी तो है वही टाइम हुआ। एक घंटा पहले मैं ये अभी निकल पड़ा, मैंने कहा चलो मेरी तबीयत ठीक नहीं तो एक ही घंटा बेहतर है, काफ़ी है, तो मैं कुछ ना पहले निकला हूँ। तो आप अंदाज़ा करें कि रश और लोग देखें, बस अभी थोड़ी देर तक ये अंदर से मस्जिद नबी अंदर जो हाल है वो फील हो जाएगा। फिर उसके बाद जगह तो बहुत अब है, ये देखें ये जो ग्रीन के इनकी बाउंड्रीज है इसके अंदर भी कारपेट बिछे हुए सब कुछ, लेकिन वो दिल हर बंदे का ये करता है मैं मस्जिद नबी के अंदर चला। तो मैं भी अपनी इसी कोशिश में था, तो खुदा का शुक्र है कि तबीयत बेहतर होगी तो मैं भी उम्मीद फिर भी मैं जायनमाज़ देखे लेकर आया हूँ एहतियातन, अगर अंदर जगह ना मिली तो बाहर चलो। तो इवन यहाँ इस फर्श पे भी वो तो कालीन आला है ना, अगर वहाँ भी जगह ना होती, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि आपको 8-9 बजे ही जाना पड़ जाएगा, तो चलो ठीक है इंशाल्लाह ताला अल्लाह की कबूल कर देगा। बैक साइड पर भी आपको लोगों का वो जब मैं गफीर दिखा दूँ कैसे लोग आ रहे हैं, और अभी काफ़ी देर है अभी ये समझ लो 11:15 हुए तक, तो लोग फटाफट हर कोई चाह रहा कि मैं अंदर पहुँच जाऊँ। चलो नवाफिल पढ़ लेंगे जब तक, और अल्लाह मैं देखिए ये इंफॉर्मेशन के लिए ये मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन के लिए कि अभी देखें मैं जैसे बता रहा हूँ कि शायद हाँ 11 अब इस वक्त पूरे 11 बज गए जबकि नमाज का टाइम है 12:15, तो एक घंटा पहले मैं आया हूँ, लेकिन इसके बावजूद अब इस वक्त लोग बीच में स्क्वीज हो रहे हैं, यानी दो बैठे हैं उनको थोड़ा सा पीछे जगह बना के बैठ रहे हैं, अंदर से हाल जो है वो ऑलमोस्ट ये भर गया अगर आप देखें तो। इसलिए जुमे के दिन अब मैं उससे गारंटी से एक आप शेयर कर सकता हूं कि आप मिनिमम एक घंटा उसमें आपके जान से जगह मिलने के, वरना 1.5 घंटा पहले अगर आप आ जाएँ तो आपको आराम से जगह मिले। अब जैसे मैं आऊँ उसके बाद से बस फिल होना शुरू हो गई, तो मैंने भी यहां बच्चे जो सोए हुए थे कुछ उनके साथ बीच में जगह बना ली, जब उठेंगे तो जगह बन जाएगी। तो ये है आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन थोड़ी सी। अस्सलामुअलैकुम। बस कल थोड़ी सी गलती हो गई, गलती क्या कि भूल गए बस, मैंने कहा आप लोग भी नोट करेंगे। आज ये हफ्ता सैटरडे हो गया, कल जुमा था, जुमे की नमाज शुक्र अल्लाह का इतनी हिम्मत हुई कि मैंने पढ़ ली। तो अभी मैंने नोट किया कि उससे पहले मैं एक वीडियो घर में बैठा था तो उसमें बनाई मैंने, तो उसमें मैं जब आप लोगों से ही जैसे बात करना तो उसमें कहा कि भाई चलो नमाज तो पढ़नी है, मास्क पहनेंगे, पहन के नमाज पढ़ लेंगे, या फिर मैं ना जाऊं तो उसकी वजह ये कि चलो दूसरे लोग बीमार ना हो जाए मेरे जाने से, और अगर जाता हूं तो कम से कम मास्क तो मुझे होगा, ये सारी बातें की। और उसके बाद जब नमाज का टाइम से जो मैं एक घंटा पहले निकला भागा, लोग 2-2 घंटे 1.5-1.5 घंटा पहले चले जाते हैं, वहाँ मस्जिद में बड़ी मुश्किल से बना बनू के जगह एक पॉइंट पर मैं पहुंचा हूं, और वहां बैठ के भी मैंने आप लोगों से थोड़ा सा शेयर ये किया कि अभी इस वक्त 11 बजे हैं। देखिए मैं नमाज जो है फिर कल मैंने नोट किया ना कितने बजे, वो तकरीबन 12:30 से 1:15, 12:30 कहने चले आप, क्यों खुतबा भी जरूरी होता है सुनना, तो 12:30 अगर नमाज है तो मैं 11 बजे समझो 1.5 घंटा पहले। लेकिन उस वक्त जब मैं गया हूं तो जगह जो है तो वो तकरीबन मस्जिद भरी हुई थी, लोग एक दूसरे को ये कह के कि प्लीज थोड़ी सी जगह बनाओ, आप इधर को हो जाओ, आप इधर को हो जाओ, तो इस तरह करके जगह बना रहे थे। तो मकसद ये हुआ कि आपको जुमे के रोज कम से कम 1.5 घंटा अगर आपने अंदर मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़नी है, वरना जगह तो बहुत है, बाहर आ जाए, बाहर जो लान है उसमें आ जाए, मेन दरवाजों के बाहर आ जाए, वहां भी बंदोबस्त है सब कुछ। लेकिन मुझे अफसोस थोड़ा सा ये जरूर हुआ कि वो जब वीडियो बनाई उसका क्लिप मैंने देखा तो जब मुझे एकदम जहन में याद आया, कह रहे मैं तो मास्क ही नहीं पहना, वही पता लग गया जब मैं वो अपनी तरफ मुंह तरफ करके मैं बनाने लगा, लेकिन
फिर वहां थोड़ी सी मैं लालच करके मैंने कहा अब मैं अगर यहां से निकलता हूँ मास्क लेने घर जाऊंगा होटल मतलब, तो ये फिर तो मुझे जगह ही नहीं मिलनी। बस फिर मैंने यही बेहतर समझा कि मैं नमाज पढ़ लूँ, मैं रुक गया, नमाज पढ़ते निकल आया, बस दो फर्ज पढ़ के निकल आया। तो ये थोड़ी सी शेयर करनी थी। अभी मैं नीचे से कॉफ़ी लेकर आया हूँ, कॉफ़ी भी आपको पता है फ्लू खांसी को हेल्प करती है। थोड़ा सा एक क्या नाम है वो चॉकलेट, मैं खाता तो नहीं हूँ लेकिन चॉकलेट मैं खाता नहीं सुबह, कम खाता हूँ, लेकिन मैं आज वो भी लेकर आया। आसफा भी सो रही है, चूँकि रात इसका रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट था कोई 12:15 बजे, तो वो उसका भी बंदे को होता है कि बस यूँ ना हो जाए मिस ना हो जाए, हालांकि होते नहीं है। तो वो मरहला बड़ा ज़रूरी था, मेरा तो 2-3 दिन पहले हो गया था। तो आसफा बड़ी परेशान थी कि अल्लाह करे खैर खरीसी ये हो जाए। तो रात वो होकर आए, फिर देर से आई, पता नहीं इबादत में लग गई वहाँ का देर से। उसके बाद फिर अभी फजर पे उठे, तो फजर के बाद अभी वो सो रही, तो मैंने कहा अभी ये तो पता नहीं कब उठे। और सुते शेर में कहा छेड़ना जो है ना जगाना ठीक नहीं। मैं गया नीचे, मैं कहा मैं तो काफ़ी पीऊँ ना मेरी जैसी हालत है। तो चलो अभी मास्क उतारते ही नीचे पहन के गया था, पहन के रखा हुआ इसलिए कि आपको बताने के लिए कि कल ऐसे जुमे की नमाज पे इंटेंशन मेरी थी कि मैंने पहन के जाना है, या मैं जाऊँ ही ना, लेकिन मैं भूल गया। चलें जी इंशाल्लाह फिर आगे जो भी एक्टिविटीज दिन की होंगी तो उसमें आपसे आपके आपको साथ रखेंगे इंशाल्लाह। आसफा वैसे बना रही इसकी डिटेल वीडियो, मैं तो छोटा सा क्लिप आपको बताने के लिए कि ये भी सादत अल्लाह ने बख्शी की है मस्जिद नबी में, उसका हाथ ही करें जो ये होटल है ये देखिए सामने कहते हैं हमारे और यहाँ से हम भी देखते हैं। तो नाश्ता आज कर रहे थे, हमने कहा इनको भी नाश्ता भी चेक करें, इनका बुफे है शहद अल मदीना होटल का जो नाम है, अब देखते हैं कैसा है। फिर वो आसफा रिव्यू देगी इसका ब्रेकफास्ट का। माशाल्लाह यहाँ से नज़ारा भी कर रहे हैं और नाश्ता भी कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। बस ज़ोहर का नमाज के लिए आसफा पहले से जा चुकी है, जैसा आपको बताया हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं ज़रा आखिरी टाइम पे बच जाता हूँ। अभी 12:00 बजे तो 12:15 बजे नमाज होती है, तो बस मैं अब निकला हूँ, तो बस अल्लाह कबूल करने वाला है इंशाल्लाह। बाकी कोई छोटा मोटा क्लिप आप कोई हुआ मौका या जरूरत समझी मैंने कहीं तो वो बना लूँगा। बस मैं आप मेरी दुआ में शामिल है, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे हर के लिए हर एक के लिए। ज़ोहर की नमाज से लोग ज़ोहर की नमाज से निकल रहे हैं माशाल्लाह। आप जमे वकील देखें यानी समंदर जैसे लोगों का सैलाब है, अल्लाह कबूल करे सबकी बातें। बस अब बस है, अब होशियार हो जाए, अब एंटीबायोटिक ने काम शुरू कर दिया, बस जल्दी जल्दी जाने की तैयारियां माशाल्लाह यहाँ से। अब सोना वोना खत्म, दवाइयों का असर खत्म, दवाई का असर खत्म, दवाई का असर शुरू हुआ। अच्छा शुरू हुआ, अल्लाह का शुक्र। तेरा कले भी जरूरी है ना माशाल्लाह, जरा लिबास तू इख्तियार किया बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा हां हां, हम करना क्या नमाज के बाद ऊपर आना या उठे कुछ कर नहीं कुछ उम्र दे ऑफिस में कुत्ती हो आसमा। जय तू जना मेरे पीछे ऐदा मेरे पीछे लगी है तू, मैं जान के लेटे ही है तो तू पीछे। अल्लाह ताला ने मेनू तेरे पीछे लाया वा के नु लंबा ना पैर नहीं, मतलब हुन आपा उठो इकट्ठी आना। वो हिना शिरानी अपनी बड़ी लॉन्ग टर्म है सब्सक्राइबर और कमेंट भी देती,
तो उन्होंने आज मैं मजाक च किया, वो कहंदे कि भाई आप जो दो चाबियां ले लो क्यों वहां है हमारे पास दो चाबियां चाबियां हैं। मैंने कहा आप हमें क्यों अलग अलग करना चाहती हैं? नहीं मुझे तो बस अच्छा लगता है, ज़ायद इंतजार कर रहे हो, मैं इंतजार कर रही हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि कम ही होता है इस तरह, ऐसा बहुत कम होता है। तो अभी मैं बस आके चेंज करके मैं बैठा ही हूँ, हालत शुक्र बेहतर है, लेकिन आप मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ठीक हूँ कोई ज्यादा टाइम। वहाँ खांसी जो शुरू होती है ना इस तरह से शुरू होती, मैं हूँ लफ्स ना ही लवा बड़ी खराब खंग जो वो फिर रुकने च ना नहीं लेंगे, सब डिस्टर्ब होंगे। मैंने इसीलिए सोचा मैं चाय ले लूं क्योंकि असर हो गई है, तो अब मगरिब तक थोड़ी एनर्जी हाँ। आ जाए और थोड़ी शुगर आ जाए okay। फिर मैं वहां से सन में से आई जो करीब वाली मार्केट है ना हाँ। हाँ तो मजा आ गया, तो मैं वो जो लिखवाना है कारपेट पे लिखवाना कर, तो एक आदमी वो दुकान के बाहर लिख रहा था बैठा, इतनी खूबसूरत उसकी राइटिंग अच्छा। और मैंने कहा माशाल्लाह योर राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वो मैंने रिकॉर्ड भी किया वीडियो में, ये अच्छा। लोग देखेंगे। तो पीछे से एक साहब वो मुझे कहने लगे ये कितने का दे रहा, हाउ मच, वो समझा कि मैं इंग्लिश हूँ या क्या अच्छा। तो वो कहने लगा हाउ मच, मैंने कहा मुझे नहीं पता ये किसके बना रहा है, आई डिडंट आस्क। तो फिर उसने पूछा अरबी में कि कितने का, वो कहने लगा 10 रियाल का ना अच्छा। तो जब फिर मैंने भी उसे कहा कि मैंने कहा 10 रियाल का दे रहे हैं आप, क्योंकि मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि डॉलर नहीं निकले मेरे मुंह से ना। तो जैसे ही वो आदमी चला गया ना, तो वो आदमी हंसने लग गया, वो कहने लगा मैं भी कहूँ ये पाकिस्तानी वो अरबी ये इनका शोहर कैसे हो सकता तो कहने लगा आप बाजी बनाओगी, मैंने कहा मैं अम्मी का नाम लिखवा के लाती हूँ मेरे हस्बैंड से वो फिर मैं लिखवाऊंगी। सो देवर जस्ट गिविंग $10 और यही पे नीचे तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए बस ठीक है, अम्मी के नाम का सबसे पहले लूंगी। एक्चुअली मैं खड़ी होगी, मैं ले रही थी, मैंने कहा 10 रियाल में तो कुछ भी नहीं है ये, तो वो कहने लगा कि लिख के देना, मैंने कहा मेरी उर्दू गलत नहीं हो जाए, वैसे तो मुझे पता आ, तो मैंने कहा नहीं मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊंगी। मैं हस्बैंड शोर पढ़ा लिखा वो तो लिखी है, बेगम पढ़ी लिखी नहीं की, तो मैं लिख के दूंगा तेरे को उर्दू में लिखना है, उर्दू में हाँ उर्दू में और क्या। चलिए शुक्र शुक्र थैंक यू वेरी मच। मैं क्या असल च उदो तो ही कैमरा मैं बंद कर लिया, मतलब मैनू तो हैरत हुई तू जिथे कोई मेरी तारीफ का मौका हों तू नहीं भूल जाने कर दी नहीं मसला। वो बंदे ने जदों कहा कि मैं समझा कि ये तेरा शोहर है जरा वो तू कहना सी तू कमाल करता तू इन तू मेरा शोर देखे तू शशदर रह जा तू दंग रह जा उन्हें देख के माशाल्लाह इदा का उच्चा लम्मा वो हाइट वो कद और स्मार्टनैस तू मैं एक तू ये किस तरह तो जुर्म किया तू तू मैनू यदी वाइफ कह रहा ये तेन कहना चाहिए सी देख नहीं क्योंकि तेरा तो मूँह टुट जाए जो तू इदा की तारीफ का मौका कोई तारीफ कर दें बंद शोर की वो भी इदा माशाल्लाह इस मुबारक शहर तू कर दी तो देख कि तेन सुहाव मिलता तू मौका जाया किता मैं हूं बंदे को नहीं आपने नहीं जाना तो खाली अम्मी का नाम लिख के दे दे नहीं मैं हूं पहले तो मैं ये पूछना कि तू मतलब आ देखा मैं आ शोर आ ऐदा नहीं होंदे शोर जाके पापा कुटने शोर होते हैं पापा कुटने मतलब दिल गल च रखी दी नहीं जेड़ा तेरा दिल करता दिल च उबाल उठ रहा वो बोल दे की कहना चाह रही मैं क्या तो कैमरे तो पूछन दिया सीगा के उनु कहंदी उच्चा लम्मा चौड़ा वो अरबी एड़ा उच्चा से मैं इदा करके उनु गोरा चिट्टा तो ओदे सामने आप जनाब ने तो नेरा लगना था यानी जिन्हू तेरा हस्बैंड समझ रहे सी उन्होंने वो रंग दोनों का देख के उसी हिसाब ने समझा उन्हें यही लगता है शोर चलो ठीक जल्दी हम बस चाह पी दिए जाके लिखोने ओदे कोलो माशाल्लाह माशाल्लाह सो आज चेंज किता दूसरा डिजाइन कलर हां तो मेरा ख्याल पहले भी पाया सी तूने हां ये तो वो तेरा उत्ते वाला वो जेड़ा पोश मैंने चेंज कर लिया ओ नवा है ना ये वो है इजी वाला मैं पिन लगा लगा के तंग आ गई हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ यार ये पिन वाला काम मुश्किल है उतारो तो मुसीबत लगाओ तो मुसीबत इसके बगैर ही होना चाहिए पिन वाला तो सेंस बनता ही नहीं है और लंबा भी अच्छा बड़ा है ये ना जर्सी का है ये अच्छा। ये मैंने हैदराबाद से ही लिया था एक्चुअली पर ये मैंने रखे हुए थे मक्का के लिए पर मैंने देखा यहाँ पे मिल रहे हैं एक दो और ले लूंगी आसानी के लिए ना तो आसान हो जाएंगे ये पहनने तो अगर तैयार हो गया तो चलिए नाश्ते से मैं 4 बजे से मस्जिद से आई हूँ नहीं तो अच्छा। मैं तो आपकी बात को 4 बजे की नहीं बताऊं अब तो मैं नाश्ता हाँ कर लेंगे मैंने तो अभी गोली खानी है पहले अपनी गोली खा लो हाँ, अच्छा इनको मैंने कल देखा जाए यहाँ पे कमरे से क्या वो यहाँ से माशाल्लाह वो है वो जो जन्नतुल बकी है जो
कब्रिस्तान यार इन्नी तेरी आवाज में सुनती कोई नहीं क्या देखा मैंने कहा वो आप देखें वो जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान जहाँ पे उसका नाम आप सही बता दें पता नहीं मुझे नजर नहीं ना आपको नहीं पता आपको नहीं पता मुझे ज़हन में नहीं आ रहा इस वक्त मैं कहाँ कब्र था मुझे तो टिपिन में चश्मा लगाया नहीं मुझे क्या पता तुम कब्र था ये छतरियों के पीछे छतरियों के पीछे हाँ छतरियों के पीछे नजर आया मेरी उंगली पे नहीं मुझे नहीं नजर चले चले फिर आपको तो नजर क्या जा रही हो मतलब कुछ भी नहीं अच्छा सच यहाँ से धूप पड़ रही मैंने कहा यहाँ से माशाल्लाह इसका नजारा भी होता है छतरियाँ देखी पूरी खुल गई हैं छतरियाँ भी ना क्योंकि वो यहाँ से रोशनी आ रही है ना आपको नजर नहीं आ रहा कहने का मकसद ये है कि टाइम जाने का आ रहा है अब दो दिन रह गए मेरी घबराहट शुरू हो गई नहीं नहीं घबराहट भी तो अपने उत्ते खामखातारी की थी बगैर किसी वजह से ये भी गुनाहगार होंगे क्यों घबराहट हो रही है इधर भी अच्छी जगह पुरस्कों जगह थे उत्ते भी तो अपने पैसे ना ये ना हो जाए वो ना हो जाए अच्छा मेरी बात सुनो तुम मैंने देखा तुम एक्स्ट्रा आर्डनरी भी तुम अपनी उस किसी चीज़ को वो बनाते थे अब लोग कह रहे हैं कि अंकल वहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं उम्रे में आपको बुखे अभी मैं सुबह से बैठा ये कमेंट पढ़ रहा हूँ सबके नहीं कमेंट जब वीडियो लगाई है और लोगों से पूछा तो कमेंट पढ़ोगे नहीं तो तुम उम्रे की भी बुक करना हो सामा अब तुम बुक कराओ हमारा उम्र तुम मुझे पता होता नहीं है एक इतना ओवर एक्साइटेड ओवर एग्जर्शन वो करके एग्जेजुरेट जिसको कहते हैं करके चीज़ को बना देती हो साहब मैं जहर बैठा मुंह देखता रहता हूं तुम्हारा क्योंकि मैं कंप्यूटर का माहिर है ना मैं कहता मैं दो मिनट फिंगर टिप्स के उत्ते मैं तो लभ लेनी हर चीज़ लेकिन बंदे को टेंशन तो होती है ना लोग कहते हैं कि उम्रे के लिए आपको बुकिंग की जरूरत ही नहीं तू कहनी है उसामा को कभी कह रही हो कभी मुझे कह रही हो वो साइट खोलो मैं क्यों कहूंगी आप छोड़ दे आपको क्यों कहूंगी मैं उसामा को ही कह रही थी आपको तो वो मेरे सामने कहती हो या मैं ना हूं फिर कहा करो वो भी गलत है ना मुझे ये होता कि अब ये पता नहीं नया काम अब ये भी बुक कराओ जब दुनिया कहती है नहीं बुकिंग तो तुमने क्यों बुक कराना है फिर दूसरी बात है इसके लिए वो फिक्रमंद हो जिनके पास कम टाइम है जब हमारे पास 7-8 दिन है अगर कोई ऐसा रीजन टेक्निकल हो भी गया दूसरे दिन बुक कर लो फिर आप ये क्या बात हुई आप खाम खा वो देना पड़ता है वो भी कुछ भी देना पड़े दे देंगे तुम पूरी फैमिली को परेशान किया हुआ पूरे दुनिया को तुमने परेशान किया हुआ हर वक्त ये ना हो जाए वो ना हो जाए ये ना हो जाए वो ना भाई इसके अलावा कोई बात ही कोई नहीं करती चल उठ जाओ नाश्ते चलिए चल नाश्ता की करना खाना कट नहीं करती तू जितनी इबादत कर रही है उतना ही खा रही है माशाल्लाह चल उठ हूँ उड़ जा चल मैं तेरा हाथी सपोर्ट दे लोग खुश हो जाएंगे अंकल ने हाथ पड़े आंटी का चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखो हाथ में पड़े चल मैं हूँ कुछ कहना नहीं चाहते हो कि अल्लाह हाफिज नहीं पढ़ाऊंगा मैंने पीछे वाले ने परसनली उसकी गाड़ी को टच करके उसको पुश किया यानी इसका नंबर होगा या जो भी है लेकिन कमाल ये देखे ऐसा बंदा अगर उधर हो कैनेडा शनेडा में तो उसी वक्त पुलिस और उसी वक्त ये आप किसी की गाड़ी को ऐसे परसनली टच करते संभाली पैदा नहीं लेकिन वो बंदा वहाँ शरीफ था और यहाँ के कानून मुझे नहीं पता यानी उसने इस माल के अंदर जो इसकी एंट्री है उसमें जाना है बेशक जाना है आगे ट्रैफिक बुला के वहाँ ही गाड़ी आना फंस गए वो आगे नहीं बढ़ रहा था ये कह रहा था आगे हटो मैंने इधर जाना वो नहीं हटा क्योंकि उसके पास जगह नहीं थी इसने उसकी गाड़ी को टच करके दो मरतों पुश किया वो बच्चे तो चाहे अरबी है चाहे अजमी है चाहे पाकिस्तानी था जो भी था बंदा लेकिन तुम्हारे जैसा अगर हो कैनेडा में तुम्हें लग पता जाए कि ऐसे किसी को पीछे गाड़ी को टच करना सिर्फ टच करना मारना तो छोड़े और फिर उसके बाद आपकी जब $200 की इंश्योरेंस जब $700 की हो जाएगी पर मंथ तो फिर आपको पता लगेगा कि कैसे किसी गाड़ी को टच कैसे करें और ये इसमें हर चीज़ आपको मिल जाएगी वो जैतून जो रेस्टोरेंट इसमें प्लस को ये बड़ा एक्सप्रेस का शवरमा यहाँ का पसंद आया हमने बेन था खाया स्नैक के लिए खाने के लिए और सस्ता भी है $10 में शवरमा वो दे रहा हूँ अच्छा है $10 में और ये तैयबा तजारती मरकज है इधर से भी और उधर से भी एंट्री है पल्ली तरफ से वहाँ सामने हमारा होटल भी है और जैतून जो रेस्टोरेंट वो भी इसी मॉल में ऊपर 3rd फ्लोर या 3rd फ्लोर पे है देखिए बड़ा पॉपुलर यहाँ जगह है ये भी होटल किनारे में बन रही है ये हिल्टन देखें
हॉस्पिटल है इसके सामने हुआ ना हमारा आमने सामने। तो खैर इंफॉर्मेशन के लिए कोई बजाय ज़्यादा ढूंढे, और ये होटल हमारे यहाँ निकलते ही सामने गेट नंबर हमारा अपना 20 मस्जिद के अंदर का 20, 21, 22 ये शुरू हो जाते हैं, और बाहर के मेन की अगर बात करें तो 335, 336, 337 उनके सामने से एंट्री हमारी होती है। अब चाहे तो यहाँ से पाकिस्तानी जिदा होंगे मच्छर मार दवाई सेम वही स्मेल है जब फिनिश फिनिश छिड़की है मच्छरों को मारने के लिए। दिमाग घूम गया तेरा। तो ये तैयबा मरकज में सेंटर में मेरे ख्याल यहाँ होगी वो क्या इसको बोल सके। शुक्र अल्लाह का काफ़ी बेटर हुआ आज तो हमारा आज सेकंड थर्ड लास्ट डे है शायद। आज क्या तारीख है आज 15 कल का दिन है बीच में 16 तो हमने कहा 15 को आज ही हम ज्यारतें भी कर लें और बच्चों की शॉपिंग है उसको भी आज ही कर लें आखिरी दिन पे ना।